नमस्कार, मैं अनुराग, आप लोग देख रहे हैं पॉम टॉय अनुराग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं अपने डॉग को जब बुलाता हूं तो वो मेरे पास नहीं आता है, घर से निकल करके भाग जाता है। कहीं मैं उसको घुमाने के लिए ले जाता हूं तो वो वहीं घूमने में व्यस्त हो जाता है, चला जाता है। कोई बुलाता है उसके पास चला जाता है, मेरे पास बिल्कुल भी नहीं आता है। प्लीज़ थोड़ा सा मेरे डॉग को लॉयल बनवा दीजिए, थोड़ा सा वफादार बना दीजिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक दूंगा जिससे आप अपने डॉग को बहुत ही ज़्यादा लॉयल बना सकते हो। दोस्तों, ये मेरी न्यू पेट है, इसका नाम नैन्सी है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। तो वो ट्रिक मैं इस पर भी करूँगा ताकि ये भी मेरे साथ अटैच्ड फील करे, और साथ ही साथ मैं आपको वो भी बतला दूंगा ताकि आप भी अपने छोटे पप्पी के साथ या फिर बड़े डॉग के साथ कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों, नया पेट लाने के बाद वो चीज़ें करना ज़रूरी है ताकि ये मेरे साथ अटैच्ड रहे और मैं कहीं भी ले जाऊं तो ये मेरे बुलाने पे मेरे पास आ जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके वो चीज़ें दिखलाऊंगा, उससे पहले मैं आपको थ्योरी बता देता हूं। दोस्तों, आप क्या करोगे कि ऐसे कहीं गार्डन में या फिर खुला जगह में आ जाओगे, सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक से दो दिन तक अपने डॉग को बतलाना है कि उसका नाम क्या है। जस्ट लाइक इसका नाम नैन्सी है तो मैंने इसके ऑनर से पूछ लिया, और दो बार तीन बार नैन्सी कहने के बाद इसको अपने तरफ अटेंटिव करवाए अपने घर पे भी, ताकि इसको पता चले कि ये नैन्सी मैं ही बोल रहा हूँ। कम से कम इतना पता तो चलेगा, तभी तो वो आपको मालिक समझेगा। तो एक से दो दिन तक आप तो अपने डॉग को उसका नाम से बुलाइए, और कम से कम वो आपके तरफ अटेंटिव हो, घर पे आपके पास आए, कम से कम इतना कीजिए। और ये चीज़ें आप उसको कुछ खिला करके भी ट्राई कर सकते हो। और यदि आपका पप्पी छोटा है तो छोटा में तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि वो आप उसको जब भी बुलाते होगे वो आ जाता होगा। उसके बाद जब आपका डॉग नाम सीख जाएगा, नाम से पास आना सीख जाएगा, उसके बाद आप ऐसे ही सुनसान जंगल में आओगे जहाँ पे एकदम सब कुछ खाली है, एकदम कोई नहीं है, या फिर गार्डन है वहाँ पे आप लोग आओगे। अगर बहुत ज़्यादा आदमी है फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप क्या करोगे, ऐसे जगह पर आइए और अपने डॉग को कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ दीजिए और आप कहीं पर छिप जाइए। जैसे ही आप छिपोगे, आपका डॉग थोड़ी देर तो इधर उधर घूमेगा, उसके बाद आपको ढूंढने लगेगा। उसके बाद मतलब कि इसके दिमाग में चलेगा कि मेरा फ्रेंड, मेरा मालिक या फिर मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है वो किधर गया। वो ढूंढने लगेगा इधर उधर और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा। ऐसे ही जब आप मिलोगे इसको, ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा, आपके पास जाएगा, और आपको उस समय क्या करना है, बहुत ज़्यादा प्यार करना है, माई लवली नैन्सी, बहुत ही प्यारी है, बहुत ही क्यूट है, और इसको किस करोगे, बहुत ज़्यादा इसको प्यार करोगे उस टाइम पे, ठीक है, जिसे इसको भी लगे कि नहीं मुझे प्यार मिल रहा है। तो इससे क्या होगा कि आपका डॉग धीरे धीरे अटैच्ड फील करेगा, और कहीं भी आप जाओगे तो फिर ये आप पे ध्यान देते रहेगा हमेशा कि ये कहीं भाग तो नहीं जाएगा या फिर कहीं छिप तो नहीं जाएगा, या फिर आप जब भी इसको बुलाओगे तो वो आपके पास आएगा। ये चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो। दोस्तों, ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस आपको मिलती रहे, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके के रेड कलर में नीचे सब्सक्राइब मिल जाएगा, और बेल के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप लोग हमारे इंस्टाग्राम पे जरूर आइए, भूलिएगा मत। हमारे इंस्टाग्राम पेज का नाम है पॉम टॉय अनुराग, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, तब तक के लिए ठीक है, बाय बाय, जय हिंद।